नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ मेघा। रुड़की के कलियर में सड़क पार करते समय 4 वर्षीय मासूम बच्चे को मोटरसाइकिल सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये संभल जिले के थाना केला देवी के गाँव सोदन मोहम्मदपुर निवासी मोहम्मद यासीन अपने परिवार के समेत कलियर में दरगाह पर दुआ कराने के लिए आया हुआ था। पीड़ित ने बताया कि उसका 4 वर्षीय बेटा अल्तमस गंग नहर पर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने मासूम बच्चे को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बच्चे के शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। कहाँ के रहने वाले हैं? संभल जिला मोहम्मद सोनन। सर, यहाँ पर कहाँ पर आए थे आप लोग? यहाँ पे कलियर आए थे सर। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ, हम नहर से नहा के आ रहे थे, घोड़े बुग्गी में बैठे हुए थे और हम उतर रहे थे, मतलब लड़के का हाथ मेरे हाथ में था, बराबर में आके मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी। उसी की गाड़ी पे मैं बैठ कर अकेला हेमंत के अस्पताल में आया। वहाँ से आने के बाद मैं अकेला था, पीछे से लड़के और भी आ रहे थे मिलने, सब रिश्तेदार परिवार आ रहे था। इतना वो लड़का गायब हो गया। सर, बच्चे का क्या नाम? अल्तमस। उम्र कितनी है? उम्र 4 साल। अब यहाँ कहाँ लेकर आए आपको? यहाँ पे सरकारी अस्पताल में लेकर आए सर। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।